आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं स्वीट ब्रेड यानी ब्रेड मिठाई, जो सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। चलिए हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अब जो हमने 5 से 6 ब्रेड ले लिए हैं, इन्हें हम 4 स्लाइसेस में काट लेंगे। फ्रेंड्स, फाइनली हमने अपने सारे ब्रेड को 4 स्लाइसेस में कट कर लिया है। ये हमने गैस को ऑन करके इस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। अब हम इसमें करीब 200 ml घी डालेंगे। ये हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने ब्रेड के स्लाइस किए थे वो हम इसमें अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये हम डालेंगे। फ्रेंड्स, फाइनली हमारे जो ब्रेड थे वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। कितना शानदार कलर आया है इनमें। अब हम इस कढ़ाई में से निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, उसी तरीके से हमने सारे ब्रेडों को अपने फ्राई कर लिया है। देखिए कितने अच्छे से ये फ्राई हो गए और हमने गोल्डन ब्राउन किया है, इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं किया। अब हमें जो है अगले स्टेप में 1/2 लीटर दूध ट्रांसफ़र किया है। अब हम इसमें एक बॉइल आने देंगे। जब तक हमारा मिल्क में बॉइल आ रहा है, हम अपना कस्टर्ड तैयार कर लेंगे। कस्टर्ड तैयार करने के लिए हमने 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर ले लिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा मिल्क डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा दूध में बॉयल आ चुका है। अब हमने जो कस्टर्ड बनाकर तैयार किया था वो हम इसमें डालेंगे। धीरे 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 डालना है और चलाते रहना है धीरे धीरे। इसे हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इसकी थिकनेस हमें कम ही रखनी है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें अपना 4 से 5 टेबल स्पून चीनी डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, अब हम इसमें एसेंस के लिए 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो, अगर आपके पास एसेंस है तो आप वो भी डाल सकती हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसे स्टोव पे से उतार लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने स्टोव पे से उतार दिया है और अब हम इसे कूल डाउन कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा कस्टर्ड ठंडा हो चुका है, बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हमने जो इसे ब्रेड कट किए थे वो एक एक करके इसे इसमें डिप कर लेंगे। ऊपर से हमने गार्निश करने के लिए दूध की फ्रेश मलाई ले लिए, कुछ बादाम और पिस्ते से गार्निश कर लेंगे। फ्रेंड्स, फाइनली ये हमारा बनके तैयार है। इसी तरह हमें देखते रहिए और हमारे पूरी वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। हमारा सपोर्ट कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।